सो हेलो गाइस, आज मैं फिर से लेके आऊं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, तो मैंने जैसे कि अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप जो खुद का अपना ऐप क्रिएट कर सकते हो, जस्ट 5 मिनट में आप अपना ऐप क्रिएट कर सकते हो, जिसका नाम है ऐप गाजर। जी हाँ, तो ये एक वेबसाइट है ऑनलाइन, जिसके थ्रू आप जो अपना प्रोफेशनल ऐप बना सकते हो, उसके थ्रू मनी अर्न कर सकते हो। वहाँ मैंने आपको ऐप बनाना सिखाया था, चाहे आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैंने आपको बोला था कि मैं आने वाले वीडियो में हो सके तो आपको आइकन बनाना सिखाऊंगा। जी हाँ, तो ऐप के लिए आप आइकन कैसे बना सकते हैं, खुद का आइकन रहता है यार काफी अच्छा होता है। तो यहाँ बताने वाला हूँ इस वीडियो में कैसे आप खुद का जो है आइकॉन क्रिएट कर सकते हो। तो जाना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, जहाँ पर हो जाएगा सारा चीज क्लियर। सो हाय गाइस, आई एम विवेक एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजी विद मी। सो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल टेक्नोलॉजी मी को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए। तो जैसा कि आप सब यहाँ जानते हो कि आइकॉन जो है आपका एक ऐप का पहचान होता है। जी, अगर आप प्ले स्टोर या कहीं भी अपलोड करते हुए जो भी आपका ऐप डाउनलोड करता है, वहाँ पे आपका जो आइकॉन है वो भी पहचान हो जाता है। प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपलोड करते हो ऐप को, तो वहाँ पे आपका जो कुछ भी चीज़ कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए, तो जो आइकॉन है वो आपका खुद का होना चाहिए, तभी आप जब प्ले स्टोर या फिर जो है और भी जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कैसे आप जो फ्री में अपना खुद का जो है लोगो क्रिएट कर सकते हो ऑनलाइन। तो यहाँ मैं छोटा सा आपको एक वीडियो बता दूंगा, ताकि आप जो अपना खुद का आइकॉन क्रिएट कर सको इजी वे में। यहाँ पे एक छोटा ट्रिक भी आपको यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आपको क्या करना है, अपना नेट कनेक्ट कर लेना है और आपको जो अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप कोई ब्राउजर ओपन कर सकते हो, मैंने क्रोम ओपन करके रखा है। सो यहाँ पे आपको जो है आपका क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा, तो आपको क्या करना है सर्च बार में सर्च कर लेना है आइकॉन मेकर। जहाँ तो आपको आइकॉन मेकर सर्च कर लेना है। मैंने वैसे तो मैं आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हो। जैसे आप यहाँ आइकॉन मेकर सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले ही वो वेबसाइट मिल जाता है, यहाँ पे फ्री आइकॉन मेकर करके। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे यार फ्री आइकॉन मेकर आप तो बोल तो रहा है, बट ये चीज जो है पेड वेबसाइट है। जी, तो पेड वेबसाइट आपको यहाँ पे आपका ऐप सॉरी आइकॉन डाउनलोड करने के लिए आपको जो है कुछ यहाँ पे पैसे लगाने होंगे, जिसके बाद जो है अपना आइकॉन डाउनलोड कर पाएंगे। बट आपको मैं ट्रिक बता दूंगा, जिसके थ्रू आप जो फ्री में इस आइकॉन को डाउनलोड कर पाओगे। सो यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट इमेजिंग आइकॉन पे क्लिक कर देना। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है यूआई खुल जाएगा, एक वेबसाइट का जो पेज खुल जाएगा। यहाँ देखते काफी अच्छा जो यहाँ वेबसाइट को जो इजी और सिंपल वे में बनाया है। तो आपको यहाँ पहले से ऑलरेडी जो है प्री डिसाइड जो है एक आइकॉन मिलेगा, तो आपको क्या करना है इसको यहाँ पे क्लिक करके जो डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके ये चीज आपको डिलीट कर लेना है। देन जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि कैसे आप मैसेंजर ऐप क्रिएट कर सकते हो, अगर आप मैसेंजर ऐप ही बनाए हो तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे जो सर्च बार का ऑप्शन है वहाँ पे मैसेंजर लिख देना है। तो ये चीज आपको मत करेगा एक आइकॉन ढूंढने में, सो आपको इजी पड़ेगा कि कौन सा आइकॉन आपको यहाँ लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख लिया, अगर आप कोई और ऐप क्रिएट किए हो तो यहाँ पे आप जिस हिसाब से आप जो भी ऐप क्रिएट किए हो वो चीज जो भी वहाँ पे आता है रिलेटेड आता है, तो आप वहाँ पे लिख के सर्च करके आप यहाँ पे जो इसके छोटे छोटे आइकॉन इस तरह जो यहाँ पे आइकॉन देख पा रहे हो, इंसेक्ट के, इंसेक्ट्स के, जानवर के, एनिमल्स के, यहाँ जो आप देख पा रहे हो वैसे तरह आपको यहाँ मैसेंजर करोगे तो आपको मैसेंजर टाइप का एक जो आइकॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको लिख के सर्च कर देता हूँ। जैसे सर्च करूंगा देख सकते काफी सारे मुझे जो यहाँ मैसेंजर टाइप के मैसेजिंग टाइप के जो आइकॉन से वो मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगता है तो आप उनको क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे ये बात कर यार कौन सा अच्छा लगा मुझे, तो यार ये वाला जो अच्छा लगा है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके जो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो बात का भी जो है काफी सिंपल है। सो यहाँ पे आपको क्या करना, थोड़ा सा एट्रैक्टिव करने के लिए आप यहाँ पे जो है काफी सारे आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं वो चीज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे काफी सारे आइकॉन्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं अलग अलग शेप्स के, तो आपको यहाँ जो भी अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे चीज बहुत थोड़ा सा फास्ट करूंगा कि वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और वीडियो ज्यादा बड़ा होगा तो यार आप लोग पता है बोर मारेगा आपको देखने में। सो यहाँ पे मैं इसको बड़ा नहीं करता हूँ। अगर आपको अच्छे तरीके जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कमेंट, जहाँ मैं आपको इसके लिए एक अलग सा और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे आपको डिटेल वाइज जो है आपको एक बनाना सिखाऊंगा। बट आप खुद भी बना सकते हो, एक बार थोड़ा सा ये जो है देख लोगे वीडियो तो आप खुद भी यहाँ पे इस चीज को अपने जो क्रिएटिव माइंड को यूज करके जो है अपना आइकॉन बना सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आप पसंद आता है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इसको ये चीज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी चीज़ में एडिट करना है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। वहाँ पे आपको जैसे काफ़ी सारे ऑप्शन मिले हैं स्केल के, रोटेट के, तो आपको तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं है मूव की। सो आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा यहाँ पे कस्टम कलर यूज़ करना है, तो आपको यहाँ क्लिक करके ऑन कर लेना है। देन आपको यहाँ क्या करना है, चाहे तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऑप्शन वो जो है वहाँ पे क्लिक करके आप जो है कलर जो है स्विच कर सकते हो। सो आपको जो भी कलर पसंद आए आप उसके हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि बात करें मेरी, तो यहाँ पे मुझे ये जो कलर है काफी अच्छा लगा है। आज ज्यादा स्टेप का भी कलर जो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो अंदर जो स्टेप का कलर चेंज होता रहा है। यहाँ पे मैंने ये चीज रख लिया है, मुझे काफी अच्छा लगा तो मुझे ये रख लिया। मैं आपको छोटा सिंपल सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जो है
अच्छा लगे और जान सके कैसे आप जो अपना खुद का आइकन क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप उसमें और भी कुछ एडिट करना चाहते हो, जैसे कि बात करें यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इनर शेडो का, ड्रॉप शेडो का। सो इनर शेडो क्या, आपको इनर वाला ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक शेडो आ जाएगा, इससे आपको जो और भी जो ये आइकोन है छोटा सा मैसेजिंग का वो और भी हाईलाइटेड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट थोड़ा सा हाईलाइटेड हो चुका है। देख सकते हैं मैंने ऑफ कर दिया और ऑन कर दिया, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंसेस आया। आप जो थोड़ा खुद करेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। सो अब मैं यहाँ कहता हूँ ड्रॉप शेडो ऑन करता हूँ। ड्रॉप शेडो क्या होगा, थोड़ा सा जो इसका शेडो जो है बाहर निकलेगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो अभी जो शेडो बाहर आ गया, इसको मैं बंद करके दिखाऊँ। सो शेडो जो है अंदर की तरफ चला गया है। जहाँ पे क्लिक करके इस चीज को जो वापस से कर लेता हूँ, तो आप इसी तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। चाहे तो आप सेटिंग में जाके और भी इसको अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ कर सकते हो, ब्लर, ओपेसिटी और एंगल जो है इसके यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बट मुझे अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है ऐसा, मैं तो आपको छोटा सिंपल बता रहा हूँ ताकि आप जो यहाँ पे कर पाओ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं छोटा सिंपल सा आपका एक लोगो बना के बता रहा था, आप चाहे तो इससे अच्छा आप लोगो बना सकते हो। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे जो अपना खुद का लोगो बना सकते हो। अब मेन बात आता है इसको डाउनलोड करने के, जैसे तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको ये डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ पैसे लगेंगे, बट मैं आपको छोटा ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो यहाँ पे इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे जो आपका प्रिंट जो आपको साइज मिलता है वो 128 का साइज है, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आप देख पा रहे हो जो 128 का यहाँ पे साइज का आपको मिलता है। बट आपको अगर प्ले स्टोर पे अपलोड करते हो और जो आइकॉन की एप साइज होती है वो है 512। सो आपको ये हटा के यहाँ पे क्लिक करके ये जो साइज वो हटा के आपको 512 लिख लेना है। जैसे 512 लिखोगे, जैसे आप 512 लिखोगे उसके आपको यहाँ जो अप्लाई साइज का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके जैसे अप्लाई कर लेना। जैसे अप्लाई करो देख सकते हो आइकॉन का जो साइज है काफी बड़ा हो गया है, 512 के हिसाब से हो चुका है। अब यहाँ पे आता है डाउनलोड करने का ऑप्शन दोस्तों, बट आप यहाँ ये जो सेव एंड डाउनलोड का आइकॉन जो ऑप्शन दिख रहा है ये यहाँ पे नहीं क्लिक करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको डाउट ना हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चीज मैं हटा देता हूँ। आपको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर जहाँ तो एक रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर लेना है, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज का स्क्रीनशॉट लूंगा, जिसके बाद जो है मुझे इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरा जो काम है वो भी बन जाएगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक और रिकॉर्डर है आपको, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जिसका नाम ए पावर रिकॉर्डर, काफी जाना माना रिकॉर्डर है, इसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में तो नहीं दूंगा, मैं आपको ब्लॉग में अपने उसके अंदर आपको इसका लिंक दे दूंगा। इसका लिंक का थोड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको अपने ब्लॉग पे, हमारे ब्लॉग पे बात चल जाएगा। छोटा सा मैं आपको सिंपल सा एक ब्लॉग बना के दे दूंगा जहाँ पे इसके मैं बता दूंगा कैसे आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है, देन आपके इसको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे हमारे लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो। सो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक से डाउनलोड करोगे नॉर्मली जैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस वहाँ बताया रहेगा, आप वैसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस जगह यहाँ पे आइकॉन मिल जाएगा डेस्कटॉप पे, तो आपको क्या करना है ओपन कर लेना है। मैं भी इसको ओपन कर लेता हूँ। सो जैसे यहाँ पे ओपन करोगे मेन चीज है यार यहाँ पे यही है, एक और रिकॉर्डर यही है, क्योंकि यहाँ पे आपको मदद करेगा इस आइकॉन को सेव करने में। सो मैंने इसको ओपन क्लिक कर दिया है, थोड़ा सा यार टाइम ले रहा है, सो मैं एक बार फिर से क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, जिसके बाद जो है मेरा ये स्क्रीन रिकॉर्डर है वो चीज ऑन हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि मैं ऑलरेडी एक जो है अलग स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। सो यहाँ पे मैं चीज कर लेता हूँ, जैसे मैं बताया था मैं अलग स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर, दैट्स व्हाई मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। सो मैं ऐसे करके जो सॉरी यहाँ ये चीज मैं नहीं करूंगा। सो अभी जो है मेरा आपका जो है मेरा या आप जो इंस्टॉल करोगे ये पावर रिकॉर्डर वो चीज जो है इसी तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, टूल्स का ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे क्लिक करना है, वहाँ पे क्लिक करने में आपको स्क्रीन का ऑप्शन स्क्रीन शॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, वो पे क्लिक करना है। देन आपको जहाँ पूरे जो उसका रीजन है वहाँ से लेके आपको क्लिक करके खींचते हुए नीचे लाना है और इस तरीके से यहाँ पे कर देना है। आपको ध्यान रखिए यार ये 512 ही होना चाहिए, थोड़ा सा साइज एडजस्ट करके आपको जो है वो कर लेना है। जैसे कि यहाँ में देख सकते हैं साइज जो यहाँ पे वो है कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ ही 512 है। और बात करें यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ जो साइज है वो 512x512 होना चाहिए। तो अगर इससे आपका कम होता है सो आपको जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ ना हो ताकि आपको अपलोड करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ अच्छे तरीके से फिट, आपको इस तरीके से कर लेना है 512x512 वाइज। सो अब मैं ऊपर काम कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ मेरा जो 512x512 हो चुका है, तो इसी तरीके से आपको ध्यान से इसको सिलेक्ट करना है और 512x512 हो जाता है, देन आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने का सिंपल सा आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है सेव का एक आइकॉन मिल जाता है, वहां पे क्लिक करके आप इस चीज को सेव कर सकते हो। जैसे सेव करोगे तो आपको यहाँ चाहता नेम दे सकते हो, जेपीजी फाइल में यहाँ पे सेव होगा। कि आप मैं इस चीज को सेव कर लेता हूँ, मेरा जो है आइकॉन है जो स्क्रीन शॉट है आइकॉन का वो चीज सेव हो चुका है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये चीज मेरा सेव हुआ है डॉक्यूमेंट्स में कैमटेसिया में,
और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो है स्क्रीनशॉट। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो ये ऐप का आइकॉन है बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। अब आप जो है अपने ऐप के लिए इसको यूज कर सकते हो, चाहे तो अपना आइकॉन डालने के लिए सो आप इस तरीके से यहाँ यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे आइकॉन आपको बना लेना है। बनाने के बाद आपको मैंने अपने पिछले में बताया था कि कैसे आप जो अपना कस्टम आइकॉन अपलोड कर सकते हो, सेम इसी तरीके से आपको जो है अपना आइकॉन अपलोड कर लेना है। इसके बाद मैं अपने वीडियो का यहाँ पे अंत कर देता हूँ कि काफी ज्यादा वीडियो बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। सो यहाँ पे मेरा होता है वीडियो एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं लाता रहता हूँ आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। तो सोच रहे हैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपना ऐप अपलोड कर सकते हो, क्या है इसका फंडा अपलोड करने का, प्ले स्टोर पे जो है अपलोड करने का फंडा क्या है, सारी चीज हम जानेंगे अपने आने वाले वीडियो में। सो वेट कीजिए हमारे आने वाले वीडियो को जहाँ पे आपको होगा सारी चीज क्लियर, कैसे अपलोड करना है, क्या पॉलिसी है, क्या यहाँ पे जो है हमें पेमेंट करने होंगे प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए, सारी चीज हम जानेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।